चपरासी है, अपनी भी चाहत नौकरी मिले चाहे चपरासी ही की क्यों ना मिले, क्योंकि मांगा ही चपरासी की तो बड़ी वाली मिलेगी कहां से, मिली। 15 साल मैंने नौकरी किया, नौकरी करके एक चीज क्लियर हो गया कि नौकरी से कोई अमीर नहीं हो सकता। फिर मैं तलाश कर रहा था बिजनेस की, लेकिन बिजनेस में पूंजी लगती थी वो अपने पास थी नहीं, जगह की जरूरत होती है वो अपने पास नहीं था, अनुभव होना चाहिए बिजनेस में, बहुत सारे लोग डूब गए हैं वो अपने पास नहीं था। नौकरी करते हुए साथ में हम बिजनेस कर नहीं सकते थे क्योंकि 12-14 घंटे दुकान पर बैठना पड़ता है। नौकरी छोड़ के हम बिजनेस को शुरू करें, क्या गारंटी ये चल जाएगा, ना चले तो नौकरी भी गई बिजनेस भी गया। इसी बीच में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में हमें जानकारी दी। उन्होंने कहा कैसा चल रहा है, मैंने कहा क्या, बोले जिंदगी, मैंने कहा कट रही है। वो हंसने लगे, बोले नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी करो, कट रही है। मैंने कहा नौकरी में जिंदगी कटती ही है और कुछ नहीं होता है। नौकरी वाला व्यक्ति 1 तारीख को अमीर होता है और 10 तारीख को जेब खाली हो जाती है। कितनी भी बड़ी नौकरी कोई ना क्यों ना हो, ईमानदारी से मैंने कहा अपने पास भी 10 तारीख के बाद पैसा नहीं बचता है। उसने कहा एक बिजनेस आया है। मैंने कहा भाई साहब बिजनेस के लिए पूंजी लगती है। उसने कहा यह बिना पूंजी का बिजनेस है। मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, बिना पूंजी का बिजनेस होता है? उसने कहा है, ये बिजनेस विदेश में 70-80 साल से ऑलरेडी चल रहा है, हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत है। मैंने कहा फिर जगह की जरूरत होगी? उसने कहा इसमें जगह की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा बिजनेस करेंगे कहाँ? उसने कहा पूरे हिंदुस्तान में। मैंने कहा पैसा कितना मिलेगा? उसने कहा लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, तुमको कितना कमाना है? मैंने कहा टाइम कितना देना पड़ेगा? उसने कहा 2 घंटा। मैंने कहा मान लो ड्यूटी वाला मांग ले तो उस व्यक्ति ने बताया जो तुम्हारे पास फालतू का 2 घंटा हो वो इसमें लगाना है। मैंने कहा बिल्कुल, फिर तो ये चलेगा, हम करेंगे। इसकी शुरुआत किया, जो हमने शुरू किया था तो इसकी दुकान थी हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। कितने लोग खरीदने जाएंगे सर? 150 किलोमीटर खरीदने जाएगा कोई? हम जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करवाया था उसने पहले दिन 4 सवाल मुझसे पूछ लिया था। पहला सवाल, आरसीएम बिजनेस तुम क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा एक कारण है। क्या कारण था? एक चरपैया थी, क्योंकि अपने पास नौकरी थी, दो एक बेटा एक बेटी है, दोनों नंबर 1 के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, जिले का टॉप का स्कूल था, 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन मिला हुआ था, 2 बार पुराना स्कूटर खरीद के डेंट पेंट करवा लिए थे, नया नहीं खरीद पा रहे थे, और एक कार की कमी थी कि परिवार को लेके जाते थे, गर्मी में गर्मी लगती थी, ठंडी में ठंडी लगती थी, बरसात में परिवार भीगता था। मैंने कहा एक अल्टो की जरूरत है। उसने कहा कैसे साल से नौकरी करो? मैंने कहा 15 साल। उसने कहा खरीद पाए? मैंने कहा नहीं। उसने कहा 15 साल नौकरी और करोगे तो भी नहीं खरीद पाओगे, लेकिन अगर इस सिस्टम को 2 घंटा रोज कर लिया तो साल भर के अंदर अल्टो आ सकती है। तो 150 किलोमीटर मुझे 1.5 किलोमीटर लगता था, क्यों? क्योंकि मुझे अल्टो दिखाई पड़ती थी। क्या दिखती थी सर? अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे क्या? अल्टो, वो भी 2004 में, आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2004 की बात कर रहे हैं, तब केवल अल्टो दिखती थी 150 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। लोग कहते थे मौर्या जी साहब चाय की पत्ती चाहिए, कल ला के दूंगा। भाग के आते थे, ट्रेन पकड़ के लखनऊ से लेके जाते थे, सुबह उनको देते थे। लोग पूछते थे कहाँ गए थे, मैं उनसे बताता था सामान खरीदने कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, किराया कितना खर्च हुआ 122 रुपए, सामान कितने का लाए 700 रुपए का, कमीशन कितना बनेगा 10-12 रुपए। तो लोग हंसते थे कितना बढ़िया धंधा कर रहा है। जाएंगे आप लोग खरीदने? जाएंगे नहीं जाएंगे? लेकिन हमें पहले दिन बताया गया था कि एक ऐसा पेड़ है कि पहले लगाओगे, इसकी सेवा करोगे 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप नहीं भी जाओगे तो भी वहां से फल आता रहेगा। मैंने शुरुआत किया, 3 महीना तक कोई पैसा नहीं आया। 3 महीना बाद पहला चेक मिला था 6,821 रुपए का। 4th महीने 14,000 कुछ का चेक आया। 5वें महीने का चेक था 35,335 रुपए का। तुरंत एक CT 100 बाइक खरीदी, स्कूल से 6 महीना छुट्टी लिया, लीव विदाउट पे, फुल टाइम जम के काम किया। 6 महीने की छुट्टी पूरी हुई, चेक पहुंच गया 1,01,000 कुछ रुपए का। अपने जीवन का दूसरा सपना पूरा किया, एक अल्टो खरीदे, कॉलोनी पहुंचे, कैंपस के अंदर हम घुसे नहीं, घर के अंदर बैठे भी थे, पीछे से खट खट दरवाजा खोला, क्या हुआ आपके लिए नोटिस आई है, रिसीव करो। मैंने कहा क्यों? बोले आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। मैंने कहा जब ड्यूटी कोई गलती नहीं की है तो टर्मिनेट किस बात? उसने कहा आप झूठ बोल के छुट्टी लिए हैं, अल्टो खरीद के लाए हैं, इसका मतलब आप कुछ काम कर रहे हो। उसी समय मैंने रिजाइन दिया, तभी से फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। हाईएस्ट चेक 1 महीने का 1,66,640 रुपए तक मिला है। टोटल इनकम की बात करें तो 1,94,00,000 रुपए से ज्यादा ये सिस्टम दे चुका है।
उसके बाद बताया गया था, पहला कारण ये था आरसीएम बिजनेस करने का कि हमें अल्टो चाहिए थी। दूसरा एक चीज का बताया गया था, इस सिस्टम में आपको टाइम से फ्री हो सकते हैं, मनी से फ्री हो सकते हैं और साथ में आपके परिवार को सिक्योरिटी मिलेगी। मैंने कहा वह कैसे? उन्होंने कहा करोड़ों लोग डेली घर से बाहर निकलते हैं, कोई नौकरी करने, कोई दुकान खोलने, कोई खेती करने, कोई किसी न किसी काम से, और रात को गूगल पे आज भी चेक करिए तो 1200-1300 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं जिसमें 600-700 लोग अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कल को मान लो कोई लिखवा के थोड़ी ना आया कि हम उसमें नहीं हो सकते, भाई जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। उस व्यक्ति ने दूसरा सवाल ये किया, मान लो बाई चांस सुबह घर से निकले और शाम को घर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे इस परिवार की सिक्योरिटी क्या है, क्या पैसा आएगा? एकदम झटका लगा। आधा घंटे के लिए मैंने अपने आप को अलग रख के देखा कि आज जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन 20 दिन एक महीना सरकारी कमरा मिलेगा, उसके बाद वो भी खाली कर दिया जाएगा। मैंने कहा सर ये सुविधा तो नहीं है। उन्होंने कहा 3 से 5 साल इस काम को 2 घंटा रोज अगर आपने कर लिया तो आप टाइम से फ्री हो सकते हैं, पैसे से फ्री हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऐसी मिलेगी कि आप इस दुनिया में रहोगे तो भी आएगी, नहीं रहोगे तो भी आएगी। 30 मई 2011 मेरा एक्सीडेंट होता है, वो तीनों चीज़ मिल चुकी है मुझे, हाथ वाथ अभी भी सही नहीं है, 2 लोग मेरी गाड़ी में एक्सपायर हो जाते हैं इलाहाबाद जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट होता है, हमें होश आता है, 4 दिन बाद हम हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, अगल बगल देखते हैं अस्पताल तो याद आता है हम तो कार में जा रहे थे अस्पताल में कैसे पहुंच गए। तो लोगों ने बताया तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, मैंने कहा मेरे साथ 2 लोग और थे, बोले वो एक्सपायर हो चुके हैं और तुम 4 दिन से अस्पताल में हो। 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे और 1.5 साल तक आरसीएम से हर महीने 1,05,000, 1,09,000, 1,11,000, 1,13,000 की इनकम आती थी। पहला अल्टो के लिए उन्होंने कहा था वो मुझे मिल गया, दूसरा उन्होंने सिक्योरिटी बताई, सिक्योरिटी लेने वाले आपके सामने खड़े हैं, 1.5 साल तक कोई काम नहीं किया फिर भी इनकम 1,00,000 रुपया महीना आती रही, सबसे छोटा चेक मिला था 92,000 का, फिर विश्वास हो गया। यहाँ पे 15 साल नौकरी किए, हम गोंडा से आगे लखनऊ में जा पा रहे थे, नौकरी वालों का हाल क्या होता है, अपनी ड्यूटी थी 6 से 2 बजे तक ड्यूटी किया, खाना खाए 1 घंटा आराम किया, उसके बाद केवल रिमोट तोड़ते थे बस। संडे का दिन आज है, आज संडे का दिन क्या होता था, 2-3 पिक्चर देखते, चाय पानी पीते, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। लेकिन वही समय वहाँ पे हटा के यहाँ पे देना शुरू किया। अलीगढ़ जब आज घूम रहे हैं, देश का कोई कोना घूमने का मौका है मिला है, कोई कोना बचा ही नहीं जहाँ हम ना घूमे हूँ। कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बहुत कमी चढ़े होंगे ज़्यादा ज़्यादा गोंडा तक, आज इस बिजनेस की वजह से हवाई जहाज तक के में चलने का मौका मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक आम आदमी चपरासी जैसे आदमी की क्या औकात होती है और आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये आपको भी मिल सकती है। अभी एक गाड़ी लेने आए थे, अभी चौथी खरीदी है, ये आपके लिए भी मिल सकती है। क्लियर हुआ सर मेरी बात? हम लोगों ने जब शुरू किया था उसमें प्रोडक्ट के नाम पे 12-14 प्रोडक्ट थे, कोई सेमिनार नहीं होता था, कोई इनकम नहीं होती थी, पिकअप सेंटर 150-200 किलोमीटर होते थे। आज आपके पास ज्वाइनिंग फ्री है, उस समय 1500 रुपया दे के 3 जोड़ी कपड़ा लेना पड़ता था, आज आपके घर की जो जरूरत है वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ज्वाइनिंग फ्री मिल रही है। उस समय कोई नियम कानून नहीं था, आज नियम आ चुका है, कानून बन चुका है, और जो चीज़ कानून में आ गया है उससे कौन बचेगा, बचेगा क्या? आधार कार्ड गांव-गांव में बन रहा था, लोग नहीं बनवा रहे थे, आज कानून थोड़ा टाइट हुआ, 2-2 हजार 2-2 हजार रुपया लगा के लाइन लगा के बनवा रहे, तो आरसीएम बिजनेस भी कानून में आ चुका है, सरकार ने इसको कानूनी जामा पहना दिया है। अभी आपका एक ही शर्त है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वो कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर फ्री का प्लाट मिल रहा हो तो रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? वैल्यू बढ़ेगी बाद में। तो हम तो एक ही चीज कहेंगे, हमारी तरफ से एक सलाह है आपको कि 18 साल से ऊपर जितने लोग आपके घर में पड़े हैं सबकी आईडी डाल के छोड़ दीजिए। मान लीजिए रजिस्ट्री हो चुकी है, मकान तब बनवाइए जब 1-2 साल 3 साल बाद इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, चलेगा सर? तो ये रहा मेरी कहानी, और मुझे कुछ जिम्मेदारी मिली है। हमारे बीच में आप रॉयल्टी जीवर से मिल चुके हैं, रॉयल्टी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आना, रहेंगे तो भी आएगी, नहीं रहेंगे तो भी आएगी। इसी कड़ी में आता है टेक्निकल जीवर, जो रॉयल्टी अचीवर को तैयार करते हैं, तो क्या मिलना चाहते हैं? अलीगढ़ में कमी है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मुझे लग रहा है नहीं है बिल्कुल। जिस तार में करंट नहीं होता है उस पर लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? कपड़े सुखाते हैं, इसीलिए अलीगढ़ में लोग कपड़े ही सुखा रहे हैं, बल्ब नहीं चल रहा है। एक जोरदार ताली, जिंदा है हम लोग, गर्मी कितने लोग को लग रही है, लगे हम लोग जिंदा है भाई।
एक जबरदस्त तालियों के बीच इनवाइट करेंगे, प्लीज कम ऑन द स्टेज पर्ल एंड स्टार पर्ल, अगर हमारे बीच में है।